मैं योगी हेमदत्तगिरी एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। साथियों, जब गौतम बुद्ध राज्य सुख और सभी सुख सुविधाएं छोड़कर और अपने परिवार के सुख सभी कुछ छोड़कर ज्ञान के लिए निकल पड़े और जंगलों में जाकर उन्होंने बहुत लंबे समय तक ध्यान साधना की, बहुत सारी योग विद्याओं से विद्याओं के द्वारा साधना की, योग साधना की, लेकिन समाधि का अनुभव उन्हें हुआ लेकिन ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। बहुत अतृप्त भाव से, मतलब बहुत मेहनत से लगे हुए थे लेकिन अतृप्त थे, तृप्त नहीं हो पा रहे थे। बहुत गहन साधना कर रहे थे, बहुत गहरी साधना कर रहे थे। 6 वर्ष उन्होंने बहुत ना के बराबर खाते हुए, बहुत ज़्यादा अल्प आहार और क्षम करते हुए साधना में लगे रहे और सूख कर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गए, बिल्कुल कंकाल की तरह हो गए। कुछ भी शरीर में मांस नाम की कोई चीज़, कोई जरा सा भी, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। तो फिर उन्होंने वो खाना भी, जो भी थोड़ा सा खाते थे वो भी छोड़ दिया और एक लंबे समय तक साधना की लेकिन तृप्ति मिली नहीं। बहुत निराश हो गए, सोच रहे थे कि इतना सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ मिला नहीं, बहुत परेशान और बहुत दुखी। साधना छोड़ दी, साधना छोड़कर बस बैठे थे पेड़ के नीचे। तभी जब हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं तब ईश्वर के दरवाजे खुलते हैं, परमपिता परमात्मा के दरवाजे खुलते हैं। जब हम अपने हाथ छोड़ देते हैं तो ईश्वर के हाथ उठते हैं। वही हुआ, जब पूरी तरह निराश हो गए बुद्ध और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा है, तृप्ति नहीं मिल नहीं पा रही है, तब एक सुजाता नाम की स्त्री जिसने पुत्र प्राप्ति के लिए उपवास रखा था और वट वृक्ष पर खीर चढ़ाने के लिए आई। उसने देखा कि एक संत बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे, तो उसने खुश हो गई। उसने सोचा कि वट देवता साक्षात मेरी खीर ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने वह खीर महात्मा बुद्ध को भेंट कर दी। बड़े लंबे टाइम से, वर्षों से बुद्ध ने कुछ नहीं खाया था। अब साधना सब, कोई मन खराब हो चुका था, तो फिर उन्होंने वो खीर लेके खा ली। अब सब कुछ छूट चुका था, जो व्रत उपवास जो भी तप था सब खत्म हो चुका। अब रात्रि को बैठे हैं पेड़ के नीचे और तभी ध्यान की घटना घटती है, ध्यान की स्थिति में उतर जाते हैं। जब सब कुछ थक करके थक गए और कुछ नहीं कर पाए, तब अचानक अपने आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं। तब उन्हें बोधित्व होता है, का ज्ञान होता है, बुद्धत्व का ज्ञान होता है और आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं। तब उसके बाद उन्हें एहसास होता है अपनी भूल का, कि अति किसी भी मार्ग में बहुत अवरोध का कारण बनती है, क्योंकि ज़्यादा अति भी उचित नहीं है और ना करने का प्रयास भी ना करना ठीक नहीं है। जिस तरह वीणा के तार अगर बहुत ज़्यादा टाइट हों तो तार टूट जाता है, कोई स्वर नहीं निकलता। तार ढीले हों तो कोई स्वर नहीं निकलता। एक सही अनुपात में बैलेंस जरूरी है। यही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, समता, मध्य मार्ग। और वही भगवान बुद्ध को समझ में आता है कि मध्य मार्ग ही उचित है,
किसी भी कार्य के लिए बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा अति अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए और खाली भी नहीं छोड़ देना चाहिए, और बैलेंस में सभी कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने जिस तरह अष्टांग योग में आठ यंग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, तो अष्टांग योग में इन दस मार्गों के द्वारा साधना तक, साधना की पूरी स्थितियां एक साधक प्राप्त कर लेता है। वही जो है सूत्र बुद्ध ने जो है आठ सूत्र दिए। सम्यक दृष्टि मतलब किसी भी चीज़ के प्रति बीच का भाव रखो, एक सम्यक दृष्टि से देखो। दूसरा सम्यक संकल्प, संकल्प भी इतना दृढ़ ना हो लेकिन कमज़ोर भी ना हो, और वचन भी इसमें भी बैलेंस होना चाहिए, वचन के में हमारे बोल चाल में, ना तो हम कटु बोलें ना ही बहुत, तो बीच बैलेंस, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना चू। तो चौथा सम्यक कर्म, कर्म भी एक बैलेंस में होना चाहिए, यहाँ भी अति नहीं होती होनी चाहिए। पांचवा सम्यक आजीविका, तो हमारा आजीविका का जो भी साधन है उसमें सिर्फ आजीविका में ही नहीं लग जाना चाहिए, या बिल्कुल आजीविका छोड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए, हमारी आजीविका भी चले और हमारा स्वयं के लिए जो भी साधना, जो भी मतलब बैलेंस में होना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। व्यायाम भी जो है छठा जो है सम्यक व्यायाम, तो व्यायाम भी उस बैलेंस में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति, हमारी यादें वो भी बैलेंस में होनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जो आवश्यक है वो तो हमें अवश्य याद रखना चाहिए। तो सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, तो हर समय समाधि में भी रहना उचित नहीं है, समय समय पे भी समाधि की अवस्था में जाना चाहिए। तो ये आठ सूत्र भगवान बुद्ध ने स्थापित